ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਬੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਗਾਵਾਂ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸੀ खुला जनाब लैके आंदा इथों तीन डंगर लै गए। अस्सलामुअलैकुम चीचा वतनी का एक न्यूज चैनल आ उस नाल अपना यानी कि कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हैगा तो ये फोटेज वगैरह उसने आप सेंड करते हैं ताकि वह अपने यानी कि जेडे भी अपने लागे लागे जो पिंड वा या कोई शहर वा जिन्होंने यानी कि गाय वगैरह गाव वगैरह रखी वा उन्होंने यानी कि अलर्ट करने वास्ते आप असलाम वालेकुम दोस्तों की हाल चाल सारे लोगों का नाम है सादर अज़ाज़। दोस्तों आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। उम्मीद करेंगे अपना आज का व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी पायदार बने। दोस्तों बेसिकली आप बेसिकली सब तो पहला आप कपास लाई है और उसमें आप लाया पानी। सो दोस्तों सब तो पहला गल करते हैं कपास दिखाने कि आया कि उगी आ या नहीं। बेसिकली जनाब काफ़ी ज़्यादा बदल वगैरह होए तो आ रही जनाब अपनी कपास तो उपरों जनाब काफ़ी ज़्यादा बदल होया और दूसरे नंबर पर माशाल्लाह कपास ने हरियाई मारनी स्टार्ट कर दी है। तुम देख सकते ना बिच बिच काफ़ी यानी कि बूटे उगे हुए तकरीबन कोई 80% बूटे यानी कपास के बीज यानी कि उगे हुए और 20% नहीं उगे। 20% क्यों नहीं उगे वह भी जनाब की मालूम शेयर करते हैं तुहाडे तक किसी वड्डे को यानी कि चाचू को पूछ के वह भी तुहाडे तक शेयर करा की वजह इसकी बाजुकात कई ऐसा खेलां वा बेसिकली जिदा कि आप देख सकते इधरली सैड काफ़ी ज़्यादा टोटली उगी हुई है और इधरली सैड थोड़ी जी उगी हुई है ज़्यादा नहीं उगी हुई। सो इसलिए भी अपडेट करा तुहाडे तक शेयर। सो बेसिकली हवा वगैरह काफ़ी ज़्यादा चल रही है तो आप जनाब इसे अपने पट्ठे टक जाए तो आप जनाब इतों अपन गावों वास्ते वड़ के लाने पट्ठे तो बाकी अपडेट तुहाडे तक फिर करते हैं शेयर। कई भी अपनी आ अपडेट आ हल्की हल्की हरी हो रही है तो इधर सैड तो माशाला गंदम आ गंदम ने काफ़ी अच्छे सिट्टे बनाए हुए और काफ़ी अच्छी लहलहा रही है। अन करीब महीना या दो महीनों बाद इसकी जो कि कटाई शुरू हो जानी अपने इलाके। सो ये जनाब इस टाइम का व्यू आ तो अपने जनाब पट्ठे वगैरह तो दिखा दिए आप जनाब बरसीन वढ़ते हैं। बरसीन अपना तकरीबन आ इतना रह चुका वा और इस दे विचों भी हाफ आप वढ़ लेना और हाफ आप नैक्सट डे यानी कि अगले व्लॉग या अगले दिन दाड़ तक शेयर करा। दूसरे नंबर तो सो दोस्तों आप अपने प्लाट के बन्ने के उपर इस तरीके दियाँ यानी कि छड़िया हुई सरसों के बूटे विरले विरले आप छे ताकि सरों का जो कि तेल हों आयल हों अपने तक अपना घर का ही मौजूद हो जाए आप बाजारों नहीं लेना पेगा। इस करके टोटली तुम देख सकते हैं आप इधरों चल के और ए पिछे तक आप टोटली इस दे विच हल्के हल्के बूटे छड़े हुए। सो सब तो पहला आप देखने मिल रहा अपना दातर तो दातर आप रेती वगैरह लाइनी है ताकि तिखा हो जाए फुल फुल ज़्यादा तिखा हो ज़्यादा अच्छे तरीके पट्ठे वड हो। हेल्पर आए अपने अपने पट्ठे वढ़न कहता कहता जनाब मैंने दातर बहुत अच्छा मारना होंगे। ओ थोड़ा उच्चा रख दातर वींगा ही लै ओ उच्चा रख के वढ़ ला तू दातर तोड़ेगा तू तू थोड़ा तां चक ला इदा कर ला हाँ करवाया सी ओ थले डंडे तो फाड़ ला डंडे तो फाड़ एक बारी हाँ दोस्तों ये जनाब बंदे आए अपने को मिलन चुलन तो हूँ जनाब चला चुके हैं तो हूँ मैं खुद लातर मारना वा तो हूँ वीडियो बनाने बंदा कोई नहीं गा नाल। सो इतना जनाब स्टैंड तो रख रख देख रहा वा कि रेती ला के इधर साइड ना मोबाइल ज़्यादातर टिक नहीं रहा। सो आप करते हैं बंद। सो सब तो पहले आप पट्ठे वगैरह सारे टोटली जिन्हें आप वढ़ने उन्होंने वढ़ के फिर तुहाडे तक करांगे आप जी। दोस्तों आप जनाब पट्ठे वगैरह सारे टोटली लै वढ़ जितने की अपन जरूरत सी जितने आप वढ़े आ दिखा दिए कितनी अपन जरूरत सी। इधर कुछ वड्डे हुए कुछ इधर वड्डे हुए कुछ वो पिछे तक वड्डे हुए
ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਾ ਮੈਂ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਟੋਟਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤੇ ਬਰਹਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲੋਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪਲਾਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਾ ਪਲਾਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਵੀਂ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਟਾਇਰ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵਾ ਸਲਿਪ, ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਫਾਈਨਲੀ ਆਪਣਾ ਇਨਾਮ ਰੇੜਾ ਵਾ ਲੱਦਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਦਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਗੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਵਰੇਜ ਇਹ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੇੜਾ ਵੱਢਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੱਢਿਆ, ਇੱਕ ਰੇੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਰੇੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਜੇ ਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਧਰ ਉਸ ਨਾਮ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧਾ ਇੱਧਰ ਦੂਸਰੇ ਕਪਾਹ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਖੇਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਓਹੋ ਚਲੋ ਲੈ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਾਂ ਇਨਾਮ ਪੱਠੇ ਵਗੈਰਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੈ ਘਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਘਰੋਂ ਜਨਾਬ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸਿਰ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਘਰੇ ਘਰੋਂ, ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਛੋੜੀ ਔਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਾਹ ਵਗੈਰਾ ਔਰ ਬਿਸਕਿਟ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਡੇਰੇ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਜਨਾਬ ਡੇਰੇ ਦਾ ਇਹ ਵਿਊ ਆ ਆਪਣਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹ ਨਾ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਵਿਊ ਆ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਹੋਰ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ, ਸਿਹਤ ਤਬੀਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਨੀਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਨਾਬ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੁਸਵਰ ਦੇ ਸਲਾਮ, ਉੱਧਰ ਪੱਠੇ ਵਗੈਰਾ ਵੱਢ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਚੜ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਟ ਸ਼ੁਗਰ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਲੋ ਜੀ, ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਰਮਜ਼ਾਨ ਉਲ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਜ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪਈ ਜਨਾਬ ਵਾਰਦਾਤ। ਸਾਡੀ ਮਕਈ ਵੀ ਭੈਣ ਖਾਧੀ ਪਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇੱਥੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੱਭ ਜਾਣਾ ਚੋਰ, ਪਹਿਲੀ ਮੁਰੰਮਤ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਕਈ ਦਾ ਜਾਣਾ ਕੱਢੀ ਖੜੇਗੀ ਉੱਥੇ ਚੋਰ, ਉੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਪਾਈ ਜਨਾਬ ਪੂਰੇ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਆਪਣੀ ਮਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਆ ਜਨਾਬ ਪੂਰੀਆਂ ਖੁਰੀਆਂ ਛੁਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਾਮ ਨਿਭਾ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਜੀ ਉਹ ਭਾ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਖੁਰੀਆਂ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਗੁਲਾਬਰ ਸੋਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਸ ਖੁਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਿੱਡੀ ਲੀਕ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਚੋਂ ਖੁਰਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਯਾਰ, ਏਦਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੱਪਿਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਏਡਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੱਤਰ ਵਾਲਾ ਥਾਂ ਆ ਜਾਵੇ ਚੋਰ ਮਤਲਬ ਖੁਰਾ ਲਾਇਆ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਗੱਟੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਇਆ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੱਕੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਸੜ ਗਏ, ਜ਼ਮੀਨ ਬੈਠੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਰ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਜਖਣਾ ਵੜ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਮੱਕੀ ਵੀ ਝੁਕੇ ਨਾ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ, ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਨਾ ਹਾਜੀ ਮਨੀਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਖੜਾ ਝੋਨਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਉਹ ਭਜਾਈ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੜੀ ਇੱਥੋਂ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾਬ ਡੇਰਾ, ਉੱਥੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੋਂ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇੱਥੋਂ ਜਨਾਬ, ਇੱਥੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜਨਾਬ। ਆਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਨਾਬ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਨਾਬ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀ ਆਹ ਬੱਚੀ ਸੂਈ ਗਾਂ ਸੂਈ ਸਾਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇਸੇ ਇੱਕ ਦੇ
इस किस्म के किसे मेरे को सुनते कि गंदी गाल बड़े बगैरत लोग होंगे जेडे खुद ब खुद यानी कि इंसान की सारी सारी मेहनत उत्ते पानी फेर देंगे। सो दोस्तों बेसिकली इतने जनाब अपने पिंड अज जनाब रमजानुल मुबारक का पहला दिन वा तो ये जनाब ब्लॉग किया आप कंटिन्यू अगले दिन अगले दिन का जनाब उस चीज़ पट्ठे वगैरह वे से उस तो अगले दिन जनाब अज जनाब आ वारदात पी चुकी इतने तो इतने जनाब लोगों जरा जिन्ना हया है ही कोई नहीं किस तरीके के जनाब लोग वारदात पा रहे इतने जो आप आ चुके हैं डेरे तो इतने जनाब आप हमने हमने जरा इतने अपने है ना यानी कि कसवाल चीचा वतनी का एक न्यूज़ चैनल आ उस नाल अपना यानी कि कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हैगा तो ये फोटेज वगैरह उसमें आप सेंड करते हैं ताकि वो अपने यानी कि जेडे भी अपने लागे लागे जो पिंड वा या कोई शहर वा जिन्होंने यानी कि गाय वगैरह गाव वगैरह रखी वा वो उन्होंने यानी कि अलर्ट करने वास्ते आप सारिया वीडियोज़ वगैरह उन्होंने शेयर करते हैं वो अगर फिर अपने चैनल पर लाएगा ताकि अपने छोटे मोटे जोड़े किसान वा जे अपने पिंडा थावान तो उन्होंने पता चल जाए कि इस तरीके दारदात पै रही वा वो सारे अलर्ट हो जाए। सो उसको आप सेंड करते हैं वीडियो वगैरह इस करके आप जा रहे हैं वापस घर उत चल के आप सेंड करते हैं ना करा तैयार तक नवी अपडेट शेयर। सो दूसरे नंबर किडे जनाब छात्र चोर निकले कितों उस भाई की तुम दिखा वा दसदा वो थोड़ी स्टोरी वो जनाब जे भाई ने चोरी हुई है ना वो भाई यानी कि डेरे नसी पैंता यानी कि यानी कमाल वगैरह पट्ठे वगैरह पा के और उस अंदर बंध के और उस बाहर ताला ला के अपनी पूरी तसली करके तो वापस अपने यानी कि घर आ जाता सून मोल ना अगले आए रात में कोई कह रहा 9 बजे आए और कोई कह रहा 1 बजे आए तो उसने माल वगैरह अपना टोटली तसली की खोलिया और चुप करके अपनी इस मकई वाली साइड तो लैके पर मेन रोड आ नहर उस नाल मेन रोड जा रहा वा उ मजदा ट्रक या कोई इस तरीके की चीज़ उस उपर लोड किया और आराम सुकून अपना लैके शुरू हो अपनी अगली वीडियो उम्मीद करेंगे अपनी अगली वीडियो काफ़ी इंटर